नमस्कार, एस्ट्रोवेगी में आपका स्वागत है। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वास्तु पूजन कब कराना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को हमेशा ये पता होता है बाय डिफ़ॉल्ट मन में ये है कि जब भी कोई भी नया घर बनाते हैं तब एक बार जब प्रवेश करते हैं उस समय पर हमें वास्तु शांति पूजा करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कई अवसरों पर वास्तु शांति की पूजा करानी चाहिए। और ये हम अपने मन से नहीं कहते, वास्तु की सबसे ज्यादा प्रमाणिक बुक जो विश्वकर्मा प्रकाश है उसके अनुसार, उसमें जो श्लोक लिखे गए हैं चैप्टर 1 में ही, उसके अनुसार आज हम आपको एक एक चीज बहुत क्लियर करके बताएंगे, जिससे आपको आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगी और फिर आप ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। तो देखिये, विश्वकर्मा प्रकाश का जो सबसे पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर का नाम है वास्तु पुरुषोत्पत्ति वर्णनम। और यहां पर बताया गया है कि कब वास्तु शांति करा लेनी चाहिए। तो देखिए, यहां पर बताने के अनुसार इसमें जो श्लोक दिया गया है 19 से लेके 23 तक, इसमें वास्तु शांति कब करानी चाहिए इसका उल्लेख किया गया है। तो हम आपको श्लोक बाय श्लोक समझाएंगे, जिससे इसकी प्रामाणिकता भी बनी रहे, क्योंकि हम आपको कुछ भी अपने मन से नहीं बताएंगे, जो भी बताएंगे शास्त्र के अनुसार बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगी। पहला श्लोक कहता है, द्वारा भी वर्त ने च त्रिविधे चा प्रवेश ने प्रतिवर्षच यज्ञादो तथा पुत्र से जन्मानी। जब भी कभी नया घर का द्वार बनाया जाए तब गृह प्रवेश करना चाहिए, और गृह प्रवेश के समय आपको वास्तु शांति पूजा करा लेनी चाहिए। उसके बाद में बताया गया है कि जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं तब भी आपको वास्तु पूजा कराना चाहिए, या घर में कहीं यात्रा से आके प्रवेश कर रहे हैं तब भी आपको वास्तु पूजा करानी चाहिए, या यात्रा करके आ रहे हैं उसके बाद में नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तब भी आपको वास्तु पूजन कराना चाहिए। यहां पर इसीलिए बताया गया त्रिविधे चा प्रवेश ने, तीन प्रकार के प्रवेश के लिए बताया गया है यहां पर। और इसके बाद में है प्रतिवर्षच यज्ञादो तथा पुत्र से जन्मानी। और जब भी कभी भी वर्ष में यज्ञ होता है, घर में यज्ञ वगैरह कराते हैं हम लोग, उस समय पे भी वास्तु पूजन करा लेनी चाहिए। इसके बाद में जब भी घर में नया कोई मेहमान आता है उस समय पे भी वास्तु पूजा कराना बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। अगला श्लोक कहता है, व्रत वंदे विवाहे चा तथा चा महोत्सव। जब भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ धारण या विवाह होता है, या अन्य कोई बड़े महोत्सव हो, उस समय पे भी वास्तु पूजन कराना चाहिए। जीर्णोद्धारे सस्यन मासे चैव विशेषता। जब कभी भी घर का जीर्णोद्धार कराया जाए, रिनोवेट कराया जाए, या घर में पहले अनाज आता था तो उससे पहले, उसके रखने से पहले भी घर का जो वास्तु पूजन है वो कराना आवश्यक होता है। इसके बाद में तीसरा श्लोक है, वो ये है, वज्राभिधूस्ते भग्रे सर्प चंडाल वेष्टिते। जब भी घर में ऐसा घर जिसमें बिजली गिरी हो, बिजली गिरने से वो जल गया हो, या किसी अन्य कारणवश भी कोई घर जल गया हो, तो उसमें भी गृह प्रवेश दोबारा करने से पहले आपको पूजन करा लेना चाहिए। या जहां पर सांप आदि निकलते हैं, सर्प चंडाल वेष्टिते, वहां पर भी वास्तु शांति पूजा करा लेनी चाहिए। आगे श्लोक में बताया गया है, उलूक वास्ते सप्तरात्रो काकाधि वास्ते। जिस घर में उल्लू रहते हों या कौआ रहे 7 दिन तक, ऐसे घर में भी वास्तु पूजन करा लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता। इसके अलावा हम आपको अगला श्लोक बताते हैं। अगला श्लोक है, मृगाधिवासिते रात्रो गोमर्जरा भिनादिते। जिस घर में हिरन कई रात रुके, या जहां पर गोमर्जरा, गौ मतलब गाय और मर्जरा मतलब बिल्ली, गाय और बिल्ली भी रात में अनेक मतलब अलग आवाज निकाले, जैसे बिल्लियां रोती हैं या गाय भी कभी कभी इस विशेष आवाज निकालती है, तो उसके बाद में भी वास्तु पूजन कराना चाहिए। आगे है श्लोक, वाणास्व दिविरूते, वाणास्व दिविरूते स्त्रीणाम युद्धाभिधूस्ते। और जिस घर में हाथी और घोड़े भी विशेष आवाज निकाले, इसके अलावा स्त्रियों की जहां पर लड़ाई होती हो वहां पर भी वास्तु पूजन करा लेना चाहिए। अब यहाँ पर स्त्री ही नहीं, स्त्री और पुरुष में जब लड़ाई होती है वहां पर भी वास्तु पूजन करा लेनी चाहिए। इसके अलावा आगे बताया गया है, जो आखिरी श्लोक है, कपोत ग्रह वासे मधुनाम निलिये तथा। जिस घर में कबूतर निवास करते हैं या जहां पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हो वहां पर भी वास्तु पूजन करा लेनी चाहिए। आगे है,
अन्य स्वच्छ महत् पात्र दूषित शांति मार्चेत। और जहां कहीं जिस घर में बहुत ज्यादा और प्रकार का उत्पात होता हो वहां पर भी वास्तु पूजन कराना अत्यंत आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तु पूजन कहां पर कराना चाहिए और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।